अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार लजीज रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पेशावरी मटन रोश की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होती है ये पेशावरी रोश की रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वालों को मज़ा आ जाएगा खाकर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मिट्टी की हांडी और इसे मैंने अच्छी तरीके से धुलकर साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, पर इसमें मिट्टी का सौंधा बनाने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो क्योंकि मेरी हांडी बहुत छोटी सी है, तो मैं इसमें सिर्फ 600 ग्राम मटन बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 600 ग्राम मटन और इसे मैंने बहुत बड़े पीसेस में नहीं कटवाया है, बल्कि मीडियम पीसेस में कटवाया है। और साथ ही में आप इस तरह के बड़े बड़े हड्डे भी रखवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक और अच्छी तरीके से इसको रब कर देंगे गोश्त के साथ। इसके वजह से आपका पेशावरी गोश्त नमकीन रोश बहुत ही ज़बरदस्त बन के आता है और इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा आपको खाने में। नमक लगाने से इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जब पकेगा तो इसका अपना ख़ुद का पानी रिलीज़ होगा और उसी से ये बनकर तैयार होगा। नमक लगाने के बाद इसे आप आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। तो चलिए रोश बनाना शुरू करते हैं। हमने मटन को मैरिनेट कर लिया आधे घंटे के लिए और इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर देसी घी और साथ में ऐड कर लिया है 3 से 4 क्यूब बटर के। ऑथेंटिकली इसमें बकरे का या बड़े का फैट पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा जायका आता है, लेकिन हमने यहाँ पर बटर का और घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम नहीं पसंद करते हैं बकरे का फैट। तो यहाँ पर हमने डाल लिया है सारा नमकीन गोश्त। हमारी हांडी छोटी है, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा गोश्त नहीं डाल पाई। तो आपकी अगर हांडी बड़ी है या आप कोई और बर्तन में बना सकते हैं तो उसमें ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि इतने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 1 मीडियम ऑनियन, साथ में ऐड कर लूँगी 1½ कटा हुआ टमाटर, आप चाहें तो 2 डाल सकते हैं, और साथ ही मैं ऐड कर लूँगी लहसुन का एक पूरा जवा, क्योंकि इस डिश में पूरा साबुत ही पड़ता है तो हम इसे काटेंगे नहीं। साथ ही में हम डाल देंगे मिर्ची, जितना कि आपको स्पाइसी पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में ऐड कर लेंगे अदरक के कुछ टुकड़े। मैंने यहाँ पर 4 टुकड़े डाल दिए थे अदरक के, और साथ में ऐड कर लिया था 10 से 15 काली मिर्च के दाने, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बटर, आप मटन के हर कोने में थोड़ा थोड़ा बटर ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और साथ में मैंने ऐड कर लिया था 1/4 कप ऑफ रिफाइंड ऑयल, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। याद रखिएगा, आपने गोश्त में भी नमक डाला था उसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो आप भी फैट से परहेज़ करिएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमने डाल दिए हैं और अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक आटा और इससे हम सील कर देंगे हमारे हांडी को, और आपको अच्छी तरीके से इसे सील करना है ताकि इसकी हवा अंदर से बाहर ना आ जाए, वरना ये कच्चा रह जाएगा। वैसे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो नमक हमने गोश्त में लगाया है वो अपना पानी छोड़ेगा, पर मैंने अपने लिए अपने हिसाब से 1/2 ग्लास डाल दिया है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो इसे आप हर तरफ से चेक कर लीजिएगा ताकि इसका स्टीम बाहर ना आ जाए। तो ये लीजिए, हमारी हांडी जो है वो चूल्हे पर आ चुकी है और बहुत छोटी सी और क्यूट सी हांडी है। तो आप अगर बनाइएगा तो प्लीज़ बड़े बर्तन में बनाइएगा, क्योंकि हमें ये इतना ज़बरदस्त लगा था कि उसमें हमारा पेट ही नहीं भरा। तो यहाँ पर हो चुका है 2 घंटा, आपको टोटल 2 घंटे के लिए इसको स्लो आंच पर पकाना है और छोड़ देना है, भूल जाना है, और उसके बाद आप इसको जब खोलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जायका मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा पेशावरी रोश बिल्कुल रेडी है, तो इसे संभाल कर उतारिएगा और देखिएगा कि आपके हाथ ना जले, और फिर हम इसे धीरे से साइड से चाकू से पोक करके खोलेंगे, और इसे स्टीम से भी बच कर रहिएगा वरना आपका हाथ जल सकता है। और हम ऊपर से ये आटा हटा लेंगे, ये आराम से निकल जाता है क्योंकि ये पक चुका है।
हांडी के खुलते ही इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि चारों तरफ खुशबू फैल गई और हमसे सब्र नहीं हुआ और हमने तभी से टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इसे आप ध्यान से बनाइएगा, आपको टोटल 2 घंटा रखना ही है इसे, और चाहें तो आप 10 से 15 मिनट और रख सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए अगर आपको थोड़ा नरम खाना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रोश बनकर तैयार है। तो आइए इसे डिश आउट करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना फैट के भी आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। ज़बरदस्त बन रहा था, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।